वंश की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम उत्पन्ना एकादश की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कृष्णा के पास युधिष्ठिर एक दिन है आए। एकादशी व्रत का महात्म जान न जो चाहे। बोले आपने मेरे मन की शंका मिटाई है। देव प्रबोधि ने एकादशी की कथा सुनाई है। आता है कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष का महीना। कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मैं चाहता सुनना। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आए, मुझे बताए श्री कृष्णा किस नाम से जानी जाए। और व्रत को करने वाले फल कैसा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। युधिष्ठिर की बातें ये कहने लगे श्री कृष्ण, एकादशी की व्रत कथा का करूंगा मैं वर्णन। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी काए, उत्पन्ना एकादश नाम से वो जानी जाए। उत्पन्ना एकादश व्रत का करते जो होता है कभी उनका ये जीवन। शंखोधार तीर्थ में जाकर जो कर ले स्नान, दर्शन देने को आ जाए खुद विष्णु भगवान। वैसा ही फल ये व्रत करने वाले पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। युधिष्ठिर एकादशी का महात्म बतलाइए, उत्पन्ना एकादश की अब मुझको कथा सुनाइए। बोले कृष्णा सुनो युधिष्ठिर अपना लगा के ध्यान, उत्पन्ना एकादश कथा का मैं करता हूँ बखान। बात बड़ी प्राचीन युधिष्ठिर, सतयुग चल रहा था। राक्षस पराक्रमी बड़ा था, पुत्र हुआ जो नारी जंग को मुरहै नाम दिया। अपने पिता से भी पराक्रमी उसका पुत्र हुआ। बड़े बड़े योद्धा भी
सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सुनाते हैं कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सुनाते हैं कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। चलता है इंद्र देव ने श्री हरि के चरणों शीश झुकाया। मुर के अत्याचारों का भी किस्सा उन्हें सुनाया। बोले मुर ने हम सबको ही पराजित किया है, करके आक्रमण स्वर्ग है भगवान हमसे छीन लिया है। स्वर्ग पे उसका अधिकार हो हम ना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एक
से मिटे व्यथा। चर है तीनों लोक में कोई भी ना आपसे बढ़कर है। भोलेनाथ ने बतलाया हम शरण आपकी आए, अत्याचारों से मुर्दानों के मुक्ति पाना चाहे। ध्यान लगा कर सुनते हैं हर कुछ पल रह कर मौन, लगे पूछने बलशाली है देव। फिर उनको मुर्का नाम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। विष्णु बोले के अब मत घबराओ, चंद्रवती नगर में उसके सभी चले जाओ। शीघ्र मैं करने आऊंगा उस दैत्य का संहार, सभी देवता मिलकर भी जिसको ना पाए मार। श्री हरि विष्णु की बात ली सब देवों ने मान, चंद्रवती नगर की ओर फिर कर दिया है प्रस्थान। फिर से आक्रमण मुरसेना पर करने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। मुरसेना पर जैसे आक्रमण करने को उसको हरा नहीं पाए। श्री हरि फिर खुद ही रणभूमि में आए हैं, अपने अपने शस्त्र सभी दैत्यों ने चलाए हैं। किंतु हरि ने जैसे ही है अपने बाण चलाए, उन बाणों के आगे दैत्य कोई टिक भी ना पाए। सभी दैत्य को विष्णु जी ने मार गिराया है, मुर नामक दानों का भी अब नंबर आया है। आमने सामने युद्ध में दोनों आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
दैत्य पर बाण ना हो पाए। श्री हरि अपने बाणों से वार रहे हैं कर, किंतु टूटे पत्ते की तरह वो सब रहे बिखरे। तीव्र गति से श्री हरि ने बाण चलाए हैं, बस घायल ही मुर्दानों को वो कर पाए हैं। मल्ल युद्ध भी उन दोनों के बीच में बड़ा हुआ, किंतु फैसला हार जीत का उनसे नहीं हुआ। 10,000 वर्ष तक वो युद्ध करते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। चले आए हेमवती नामक एक सुंदर वहां पे बनी गुफा। श्री हरि ने उसी गुफा में है प्रवेश किया। 12 योजन का है पूरा गुफा का वो आकार, लगे सोचने इस दानव का कैसे हो संहार। सोचते सोचते योग निद्रा चले गए मुर्दानों, ये सोच रहा था विष्णु कहाँ गए। योग निद्रा की गोद में आकर हरि सो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। हरी को आया, सोच रहा है विष्णु जी ने खुद को कहां छिपाया। पीछे पीछे उसी गुफा के भीतर आता है, निद्रा में है श्री हरि, वो खुश हो जाता है। उसने आक्रमण श्री हरि पर करना चाहा है, एक उज्जवल प्रकाश हरि की जन्म लिया। मुर्दानों को उस देवी ने ही संहार किया। फिर तो हर भी योग निद्रा से बाहर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एकादशी के दिन ही उत्पन्न हुई है वो देवी, इसीलिए तो कहते हैं उत्पन्ना एकादशी। मुर्दानों का इस देवी ही ने तो किया संहार, श्री हरि विष्णु भी जिसको ना पाए थे मां। श्री हरि विष्णु
विष्णु जी की ये भक्तों थी माया, वरन कौन दानो ऐसा जो इनसे बच पाया। स्वर्ग लोक फिर से वापस देवों को दिलवाया, क्या क्या लीला रचते हैं हरि कौन समझ पाया। पालन करता सारी सृष्टि के कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। उत्पन्ना एकादशी व्रत की यही तो कथा है, सुना है जिसे युधिष्ठिर ने श्री कृष्णा ने कहा है। उत्पन्ना एकादशी व्रत को जो भी करते हैं, पूजा करके श्री हरि की इसको सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कथा युधिष्ठिर को जो सुनाई है, वही कथा तो भक्तों डीएस पाल ने गाई है। सुनते हैं सब भक्तों के संग हंस राज रलहन, फौज सुरेश पे मात शारदे यूं ही रहो प्रसन्न। ताकि लिखता जाऊं जो भी मुझे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कथा को सुनने वाले भी व्रत का पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।